चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पे दिया हुआ है वी ऑलरेडी नो, हम पहले से जानते हैं। तो हम पहले से क्या जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका है अबाउट रूट स्टेम एंड देयर फंक्शन, फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में, बर्ड्स टर्न इनटू फ्लावर मीन्स बर्ड फ्लावर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स फ्रूट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स हैव सीड्स और फ्रूट्स में सीड्स होते हैं या सीड का फॉर्मेशन होता है। वी विल लर्न अबाउट मीन्स इस चैप्टर में हम नया क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम रूट लीव्स कोन्स मीन्स कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, स्टेम से हो रहा, रूट लीव्स एंड कोन से। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रूट फॉर्मेशन और फ्रूट के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज दैट दे रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड मीन्स, कहने का सेंस ये है कि ऑल लिविंग, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फीचर होता है कि वो अपने जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करें। रिप्रोड्यूस मीन्स होता है अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाना या तैयार करना या उत्पन्न करना, पैदा करना। इट्स क्लियर। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करके या रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं। वी कैन स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन टू पार्ट्स, हम प्लांट रिप्रोडक्शन की स्टडी टू पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू सीड्स, सीड्स के थ्रू प्लांट में रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू अदर पार्ट, प्लांट्स में प्लांट के अदर पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव इज अ प्लांट पार्ट। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, मोस्टली प्लांट का रिप्रोडक्शन सीड से होता है, बट देयर आर मेनी प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट्स सच एज रूट स्टेम एंड लीफ। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट स्टेम एंड लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मीन्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है आइए देखते हैं। रूट स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट, रूट स्टेम एंड लीफ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट की ग्रोथ को वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस कहते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन फर्स्ट, पहले हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम सीड के थ्रू प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये जानेंगे। प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, रूट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। सम रूट्स लाइक दोज ऑफ स्वीट पोटैटो, डहेलिया, कैरेट एंड रेडिस कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वीट पोटैटो है, जिस पार्ट को हम खाते हैं, कैरेट, रेडिस, ये सब प्लांट के रूट पार्ट्स होते हैं। कैरेट में आपको रेड वाला पता है ना, रेड वाला पोर्शन जिसको हम खाते हैं, ऐसे ऐसे रूट्स हेयर्स निकले होते हैं, तो ये पोर्शन आपका कैरेट होता है, रूट पार्ट कैरेट का। तो इनमें रूट से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं।
इफ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट, अगर हम कैरेट के टॉप पोर्शन को कट कर दें, एंड प्लांट इट इन ग्राउंड, और इन्हें जमीन में प्लांट कर दें, लगा दें, न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, इससे नया प्लांट ग्रो हो जाए। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। समटाइम्स न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव्स, कभी कभी नए प्लांट्स का जर्मिनेशन लीव्स से होता है। ब्रायोफाइलम इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स लीव्स। ब्रायोफाइलम एक कॉमन एग्जाम्पल है जो जनरली देखा जाता है, जिनमें लीव्स के थ्रू नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है या नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। टीनी बर्ड्स ग्रो इन द मार्जिन ऑफ द पैरेंट। अब मार्जिन क्या होती है, जैसे ये लीव्स है, ये लीव के आउटर लेयर जो है, ये आउटर पोर्शन, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो टीनी बर्ड्स ग्रो ऑन द मार्जिन ऑफ द पैरेंट लीव। पैरेंट लीव मीन्स ये जो पहले से मैच्योर्ड प्लांट है, उसको पैरेंट, उनकी लीव्स को पैरेंट लीव्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लीव्स की मार्जिन पे छोटे छोटे से बर्ड्स जर्मिनेट हो गए हैं, यही थोड़ा सा मैच्योर होकर के डिटैच हो जाएंगे और नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे फॉल ऑफ, वे टूट कर गिर जाते हैं ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, और नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट, और ईच बर्ड नए प्लांट को जर्मिनेट करती है। ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड हैं, ये लीव्स हैं ब्रायोफाइलम की, ये पूरी लीव्स हैं, और उन पे छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको बर्ड जैसा दिख रहा है, यही बर्ड यहाँ से डीअटैच हो जाएंगे और ग्राउंड पे गिर करके नए प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट का जर्मिनेशन। अंडरग्राउंड स्टेम आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन प्लांट्स। आपको पता होगा जनरली प्लांट्स के स्टेम ग्राउंड के बाहर के पोर्शन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, उनको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो पोर्शन जो हम खाते हैं, ये सॉइल के अंदर रहता है ये पार्ट, और ये प्लांट का स्टेम पार्ट होता है, मींस अंडरग्राउंड स्टेम। तो आपको पता होगा कि पोटैटो को अगर हम ऐसे कट कर दें और ग्राउंड में प्लांट कर दें, तो यहीं से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। आपने देखा होगा कि ये पोटैटो में आइज़ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, आइज़ हैं इनकी, और यहीं से जर्मिनेशन शुरू होता है। अंडरग्राउंड स्टेम आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ सर्टेन प्लांट, कुछ प्लांट्स के। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब। राइजोम्स क्या है आइए देखते हैं। राइजोम्स आर फाउंड इन जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। टर्मरिक और जिंजर में राइजोम्स के थ्रू जर्मिनेशन होता है। फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, राइजोम अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है, जिससे प्लांट, न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होता है। रूट्स डेवलप फ्रॉम द लोअर सरफेस, और इनके लोअर सरफेस से रूट का जर्मिनेशन होता है ऑफ द राइजोम। राइजोम है ये अपवर्ड जाएगा, जो सॉइल के ऊपर निकल करके प्लांट की ग्रोथ करेगा, और इसी के लोअर पार्ट से रूट का जर्मिनेशन होता है।